हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्यापा क्वीन हनी। आज का जो घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे ना सिर्फ आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद से काले हो जाएंगे, बल्कि इसके यूज से आपके जो बाल हैं वो काफ़ी मोटे घने भी होने शुरू हो जाएंगे। ये होममेड हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली कुछ दिन में दिखाई देने लगेगा। मैं जब भी कोई हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं इसे ही लगाती हूँ। एंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा किलोंजी या फिर ब्लैक क्यूमिन सीड, इसको हम लोग काला जीरा भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्ट्रांग औषधीय गुण पाया जाता है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और ना जाने कितने सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे 100% आपका जो हेयर है वो ग्रोथ होता है, प्लस हेयर फॉल कम हो जाता है। नाउ जो हमें सेकेंड चीज चाहिए इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए वो है मेथी दाना। मेथी दाना में निकोटेनिक एसिड होने के कारण आपके जो हेयर है वो जड़ से मजबूत बनते हैं और वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं। मेथी दाना के यूज से आपके जो हेयर है वो मोटे तो होंगे ही, प्लस साथ में आपके जो हेयर है वो सिल्की एंड स्मूथ भी हो जाएंगे। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का पाउडर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मिक्सर ग्राइंडर में मेथी दाना और जो किलोंजी सीड है उसको डाल देंगे। फाइन पाउडर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद हमें जो थर्ड चीज हेयर ऑयल बनाने के लिए चाहिए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। थर्ड चीज जो हमें चाहिए होगा इसके लिए वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैं हाफ बाउल लूंगी। इसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को हम लोग लो फ्लेम में गैस पर रख देंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये कोकोनट ऑयल उसमें डाल देंगे। कोकोनट ऑयल आपको ज़्यादा इसमें गर्म नहीं करना है, मैंने जैसा कहा आपको लो फ्लेम में इसको रखना है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे किलोंजी एंड मेथी पाउडर। इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, आपको इसको छोड़ नहीं देना है डालकर। आप देख सकते हैं कि मैं इसको आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि कैसे इसका कलर चेंज होगा और आपको कब इसको बंद करना है फ्लेम को। नाउ अब बात आता है कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने हेयर केयर रूटीन बनाकर रख दिया है, आप वो देख सकते हैं एंड उसको फॉलो करके ये हेयर ऑयल लगा सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। एंड अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। ये कुछ ही देर में होने वाला है, जैसे इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगी। अब हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि कलर किस तरीके से चेंज होगा, तो आपको ये बंद करना है। मैं इसके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसको छान लेंगे छलनी के हेल्प से। मैंने इसे छलनी के हेल्प से छान लिया है और आप देख सकते हैं कि ये ऑयल रेडी है। मैं इसे स्पून में उठाकर भी आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा हेयर ऑयल रेडी है। तो इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट से येलो हो गया है, थोड़ा सा डार्क